नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम करियर मंत्र में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दर्शकों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं अर्ली स्टडी ऐप के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अर्ली ऐप के फाउंडर और CEO दीपक उपाध्याय जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने और INH ने मुझे एक मौका दिया हमारे अर्ली स्टडी प्लेटफॉर्म को हमारे दर्शकों का शेयर करने का। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अर्ली स्टडी हमारा एक हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम बच्चों को एनिमेटेड कार्टून्स, वीडियोस, विजुअल्स लर्निंग कराते हैं और पेरेंट्स को एक सहूलियत देते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चे की पूरी पढ़ाई की ट्रैकिंग कर सकता है कि उसने पूरे दिन में क्या पढ़ाई की। और पहले अब तक ये ऑनलाइन था, अब हम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और पूरे इंडिया में एक्चुअली हम लोग इसको हाइब्रिड लर्निंग पे ला रहे हैं, जहाँ पर हम सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे हमारे सेंटर्स पे बैठा के, जहाँ पर एक टीचर प्रेजेंट होगा, फिजिकली उनको हैंड होल्डिंग होगी और ऑनलाइन उनको घर पे भी सपोर्ट मिलेगा, ताकि एक टू टीचर एडवांटेज के साथ बच्चे पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई को एक डिफरेंट लेवल पर लेके जाएँ। बिल्कुल, तो आज इस विषय पर हम इनसे बात करेंगे, तो चलिए हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अर्ली स्टडी ऐप हाइब्रिड लर्निंग, दीपक जी, जिस तरह से इसकी टैगलाइन ही है हाइब्रिड लर्निंग, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका पूरा आइडिया आपको आया और इस ऐप से पहले आपकी जर्नी क्या रही? जर्नी के बारे में तो सर ये है कि जब मैं स्कूल में था, मैं इसको ऐसे एक स्टोरी बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के साथ, कि जब मैं स्कूल में था तो मेरा ये स्टेप्स था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी पढ़ाया करता था। तो कहीं ना कहीं एडुकेशन और टीचिंग मेरे ऑलरेडी कह सकते हैं ब्लड में चला गया था, कि टीचिंग एक पार्ट रहे मेरी लाइफ का, बिकॉज पॉकेट मनी के लिए हम लोग सब लोग ये सब करते ही थे, पढ़ाना बच्चों को। बट धीरे धीरे मैंने देखा, जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा तो मैंने देखा कि हमारे देश की छोटी सी एक प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन। पढ़ाई तो हम सब कर रहे हैं, बट आगे चल के हमें जॉब का बड़ा इशू है, समझ ही नहीं आ रहा हमने पढ़ाई किस लिए करी थी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बेस है, जो रूट्स है, वो प्रॉब्लम में थे। अगर मैं कहूँ कि एक पेड़ है जिसके फल हमें खाने हैं, बट उसके रूट्स ख़राब हैं, तो पेड़ ही नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, और रूट्स क्या हैं, एक बच्चे की स्कूल की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अर्ली स्टडी की शुरुआत करने के लिए यहीं से एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करें जहाँ पर हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, उसको ध्यान में रख के एक क्वालिटी एजुकेशन दें। दीपक जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि क्वालिटी एजुकेशन, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि अगर हम बड़े शहरों का रुख करें तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छे स्किल वाली एजुकेशन मिल सकती है, और वहाँ से अगर हम रिटर्न होते हैं या उसी सिटी में हम जाते हैं जॉब के लिए तो हमें बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता है कि नॉर्थ की साइड अगर हम मूव करते हैं, बड़ी बड़े शहरों का रुख करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन हम ले सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर मैं कहूँ कि क्वालिटी एजुकेशन अगर हमें मिलती है, वो कहीं से मिले, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि नॉर्थ साइड या साउथ साइड या किसी पार्ट ऑफ इंडिया, मैं कहता हूँ कि एनी रिमोट लोकेशन ऑफ इंडिया और एनी रिमोट लोकेशन ऑफ वर्ल्ड, अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और एक नॉलेजेबल चीज़ मिलती है, तो उस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम अपना लाइफ और फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। और इसी सोच से एक्चुअली अर्ली स्टडी की शुरुआत भी हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्ली स्टडी की शुरुआत इस तरीके से हुई, एक हमारे पास हमेशा ना दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले, एक सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले। अब मैंने देखा कि जैसे हमारे देश में होता है कि जब हम पढ़ते थे, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो हमने देखा कि हम हमेशा खुद ही कोसते थे कि यार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब है। मैंने कह रहा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, हम लोग ये बोलते थे कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए या किसी और के लिए हम उसको ब्लेम करना है। तो प्रॉब्लम की बात करने वाले तो बहुत सारे थे, बट उसकी सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इस पर वर्क नहीं कर रही है, सब इस पर वर्क कर रहे हैं, बट हमने ये समझा कि ये किसी एक इंसान का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, हम सबको इसके लिए आना पड़ेगा। तो मैंने समझा कि हमें सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वही मैंने जैसे कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम की बात करने वाले, एक सॉल्यूशन की बात करने वाले। हमने सॉल्यूशन पे बात कर ली, हमने कहा कि सॉल्यूशन को लेकर आते हैं अर्ली स्टडी के थ्रू, और वो रूट से ही हम लोग उसको सॉल्यूशन का करेंगे, और फिर आगे चल के हम धीरे धीरे और भी चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आएंगे, ताकि उनको एक अच्छी फ्यूचर मिल सके। बिल्कुल, तो हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी है, और इसके लिए ये ऐप बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये बहुत दिलचस्प भी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और हाल ही में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है,
ऐसे में क्या इस ऐप को, इस हाइब्रिड लर्निंग ऐप को हम इस पॉलिसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो मोड ऑफ लर्निंग होगा वो भी बिल्कुल न्यू होगा? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही सवाल किया कि क्या हम NEP, मेरे ख्याल से अभी हमारे मोस्टली जो पेरेंट्स हैं उनको पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रही है, और शायद पेरेंट्स को ये नहीं पता हो कि कब से ला रही है। वो ऑलरेडी 2 साल से इस पर वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको लेकर आना चाहती है, और जो उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो करेगा हाइब्रिड लर्निंग। अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी कहा कि हाइब्रिड लर्निंग इज़ दी न्यू सेगमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं हमने भी इस पे ध्यान दिया। हमने पूरी तरह से अपने आप को इंटीग्रेट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और हम इस समय शायद इंडिया में पहले प्लेयर होंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी पहल है सर आपकी पूरी टीम की। और सर हम आपसे सबसे पहले तो ये भी समझना चाहेंगे यहाँ पर कि अर्ली स्टडी ऐप किन किन के लिए फायदेमंद है, किन के लिए ज़्यादा उपयोगी है? देखिए सर, मैं इसका बहुत सिंपल जवाब देना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को। हम ये नहीं कहते कि ये यहाँ पर उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में अच्छे हैं, या उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में थोड़ा वीक हैं। हाँ, अर्ली स्टडी उन हर बच्चों के लिए है जो नॉलेज सीख करना चाह रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई चाह रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमें सिर्फ बच्चों को ध्यान देना है कि जो बच्चा पढ़ने वीक है उसको स्ट्रांग बना के उसको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाना है और उसको नॉलेज देनी है, और जो बच्चा ऑलरेडी एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे है, जो अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छा पढ़ने में अच्छा है, उसको उसको कंपटीशन लेवल पे ले जाना है, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाके उसको उसका अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो उस तरीके से मैं कहूँगा कि अर्ली स्टडी उन हर बच्चों के लिए है जो नॉलेज सीख कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन सीख कर रहे हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों से करवाना चाहते हो, इस ऐप को आप ज़रूर प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अर्ली स्टडी ऐप के नाम से ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल सकता है और फ़ोन पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सर ये तो बात हो गई ऑनलाइन मोड की, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोनों मोड्स में अवेलेबल है, ये अगर कोई सेंटर में आना चाहे तो सेंटर में भी जाकर इसकी पढ़ाई कर सकता है। कितने सेंटर्स अभी तक आप लोगों ने इसके लिए डेवलप कर लिए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो अभी हमने यहाँ पर 4 सेंटर्स में, 4 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कवर्धा है, रायपुर है, कोरबा है, बिलासपुर है, यहाँ पर हम अपने सेंटर्स लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर बच्चों का बेसिकली कहा जाता है कि हब है पढ़ाई का छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर हम अपना लॉन्च कर रहे हैं। MP की बात करूँ तो हम शहडोल, जबलपुर, भोपाल इधर जाएंगे, और पूरे इंडिया में हमारे सेंटर्स ज़रूर बनेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेंटर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों की फिज़िकल हैंड होल्डिंग ज़रूरी है, ताकि बच्चे ये अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाएँ। एक टीचर की प्रेजेंस से पढ़ाई करते हैं तो एक गाइडेंस अच्छी मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑनलाइन नहीं ले जाएंगे बच्चों को। हम घर पे भी एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने घर पे जाए, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाई करे। सारी पढ़ाई एनिमेटेड कार्टून्स पे है, इसका मतलब विजुअल लर्निंग है। मैं छोटा सा बताना चाहूँगा चीज़ कि विजुअल लर्निंग के बहुत फ़ायदे हैं, अभी शायद हमारे इंडिया में हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया उसको कि विजुअल लर्निंग से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। विजुअल लर्निंग एक तरीके से रिटेंशन के लिए बहुत अच्छी है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है। मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक बच्चे को सेल्फ लर्नर बनाने में बहुत कारगर है, तो उस तरीके से भी बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये सारी रिपोर्ट अगर मैं कहूँ कि पेरेंट को शाम को अपने फ़ोन पे दिखेगी कि उसके बच्चे ने आज क्या पढ़ाई की, मैं चाहता हूँ कि बच्चों की रिपोर्ट जब तक हमारे हाथ पे नहीं आएगी तब तक हम उनकी इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर सकते। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमें रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो रिपोर्ट ज़रूर मिलेगी। आज के डेट में अगर एक पेरेंट को शाम को उसके अपने बच्चे की रिपोर्ट मिल जाए, उससे बेटर पेरेंट्स के लिए क्या है ना? बिल्कुल, तो उसी तरीके से हम लोग बच्चों को ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिपोर्ट के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे। यानी कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फिजिकली एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो जैसे स्टूडेंट्स की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो मंथ में एक बार जब यूनिट टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं तब पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, टीचर से उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल होती है। लेकिन ऑनलाइन होने से वाकई में दीपक जी बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि जो दूरियां हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स उनके बीच की, वो बहुत कम हो गई है। और पेरेंट्स जो कि मॉनिटरिंग करना चाहें तो तुरंत इसकी रिपोर्ट शाम को मिल सकती है। यानी कि आप दिन भर में आपके बच्चे ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, कितना पोर्शन सिलेबस का कवर किया है, ये सब कुछ आप एक क्लिक पर शाम तक अपने फ़ोन पर देख सकते हैं। उसकी रिपोर्ट को आप मैनेज कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि किस तरह के स्किल आपका बच्चा डेवलप कर रहा है। सर अभी तक कितने बच्चों को इस पूरी पढ़ाई का फायदा मिल चुका है इस ऐप के जरिए? हम लोग एक्चुअली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अभी छत्तीसगढ़ में हमारी 50 लोगों की टीम है। हमारे पास ऑलरेडी 50 लोग एसोसिएटेड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में, जैसे प्राइवेट हो गए, कुछ सरकारी हो गए, उनमें विजिट कर रहे हैं और बच्चों को हमारे अर्ली स्टडी के बारे में बता रहे हैं। टिल डेट हमने अब तक 35,000 बच्चों को ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन मोड से पढ़ा के, चीज़ों को समझा के देख लिया है
कि कैसे हम लोग बच्चों को हेल्प कर सकते हैं एट क्वालिटी एजुकेशन में। बिल्कुल, क्वालिटी एजुकेशन में लगातार बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, बल्कि आने वाले समय में जो और भी दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पर भी आप इस ऐप का फ़ायदा ले सकते हैं। ऐप तो आप ऑल ओवर इंडिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सेंटर्स हैं वो भी तेज़ी से अलग अलग स्टेट्स में डेवलप हो रहे हैं। अभी चर्चा के दौरान सर एक बहुत अच्छी बात आपने कही, वर्चुअल लर्निंग। अक्सर ऐसा होता है, खासकर लॉकडाउन के समय से हमने देखा है कि जब स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, फिजिकल प्रेजेंस बच्चों के स्कूल में नहीं थी, तब सिर्फ मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स ही ऐसा माध्यम थे जिसके माध्यम से बच्चों के नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे थे। और अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन पर बहुत वक्त बिताते हैं, या तो कार्टून्स देखते हुए या तो गेम्स खेलते हुए। ऐसे में उन्हें उस चीज़ से थोड़ा सा दूर करते हुए अगर आप इस ऐप के माध्यम से उन्हें पढ़ाते हैं, तो जैसे कि सर बता रहे कि एनिमेटेड वीडियोज़ हैं, कार्टून के माध्यम से उसकी पढ़ाई होनी है, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सर, इस बात का आइडिया आप लोगों को कैसे आया? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो कार्टून्स होते हैं, एनिमेशंस होते हैं, वो तो सिर्फ एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस हम उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ तक ऑनलाइन लर्निंग की बात है, तो अक्सर ऐसा होता है कि एक टीचर होता है, एक ब्लैक बोर्ड के साथ में टीचर होता है, और बच्चे कहीं ना कहीं उसे देखकर बहुत बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल क्लास में भी वही देखते हैं, मोबाइल में अगर वही देखें तो बहुत बोर हो जाते हैं। लेकिन एनिमेटेड वीडियोस के जरिए वर्चुअली माध्यम से अगर कोई ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जाए जिससे बच्चों की पढ़ाई हो, इसका आइडिया कहाँ से आप लोगों को आया? देखिए, कोविड ने एक्चुअली बहुत ही बच्चों का जो लर्निंग ग्राफ है बहुत नीचे लेके आया कोविड के चक्कर में। और मैं ये नहीं कहूँगा कि स्कूलों ने अपनी इसमें कमी छोड़ी है, स्कूलों ने बहुत कोशिश की बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई देने की, बट हमने दो चीज़ों को यहाँ मिक्स कर दिया। हमने लाइव जो स्कूल में क्लासेस होती थी और एक ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म था, उनको गलत तरीके से मर्ज किया, और कहीं ना कहीं कोविड में पेरेंट्स को हमने गलत तरीके से चीज़ों को प्लेटर करके दिया। ऑनलाइन का मतलब टीचर का सामने रह के एक लाइव क्लास में बैठ के पढ़ाना नहीं है। ऑनलाइन का या डिजिटल लर्निंग का मतलब है उसके टूल्स का इस्तेमाल करके एक क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, या मैं बात करता हूँ विजुअल एनिमेशंस कार्टून्स की, जहाँ पर हम बच्चे को वीडियो दिखा के पढ़ेंगे, तो उसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट फर्स्ट ये कि बच्चे को जो भी चीज़ देखेगा उसको लॉन्ग टाइम रिटेन हो जाएगी। मतलब अगर हमने कुछ देखा तो आज हमें वो याद हो जाएगा, हम याद करें ना करें। विजुअली अगर मैं कल को हम कोई गाना सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं, और जैसे उस मूवी का नाम मेरे सामने आता है तो मुझे उस मूवी की पिक्चराइजेशन शुरू हो जाती है, मैं कि उसमें क्या था, उसमें क्या नहीं था, उसमें क्या स्टोरी थी, वो सब अपने आप से हम पिक्चराइज करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो विजुअल लर्निंग का है, कि विजुअली बच्चों को हेल्प किया जाए, विजुअली दिखा के पढ़ाया जाए, उससे लर्निंग स्मूथ हो जाती है, लर्निंग फास्ट हो जाती है, बच्चा खुद समझने की क्षमता बढ़ा लेता है, और बच्चे को रिटेन भी बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है। तो ये जो ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं अभी तक जो चल रहा था वो उस तरह का नहीं है, इसको हम विजुअल लर्निंग पे ला रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। उस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छे होंगे। जी बिल्कुल सर, और एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर जहन में आया है कि अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल के टाइम्स की ड्यूरेशंस होती है, कि आपके जो एक क्लास होगी वो 40 मिनट्स की होगी। इस ऐप में क्या ड्यूरेशन वाइज आप लोग क्लासेज या कोई सिलेबस को कवर करते हैं? क्या कोई पूरा वर्किंग आवर इस ऐप का होता है? मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारा ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, बच्चा जितना देर चाहे उतनी देर पढ़ाई करे। और इसी सवाल से एक्चुअली मेरे दिन में एक चीज़ भी आ गई बताने के लिए हमारे दर्शकों को। देखिए, आज के डेट में बच्चे ना फ्रीडम से घूमना चाहते हैं, वो ज़माना नहीं रहा कि हम बच्चों को टाइटली बाउंड करके किसी चीज़ को करने के लिए कंपेल करें। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को समझना पड़ेगा कि वो हमसे क्या चाहते हैं, और हमें वही चीज़ उन्हें ऑफर करनी पड़ेगी ताकि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आ सके। रिजल्ट से मेरा मतलब 70-80% 90% जाना नहीं है, मेरा रिजल्ट से मतलब है नॉलेज। हम आज के डेट में जो फोकस करते हैं एज अ पेरेंट, वो ये देख रहे हैं कि हम लोग बच्चे के 70-80 नंबर और 90-90 कब तक आएंगे। हमें ये फोकस नहीं करना है, हमें फोकस ये करना है कि बच्चे की नॉलेज कितनी बढ़ रही है। हमने मूवी 3 डेट्स देखी है सबने, बट हमने कभी उससे कुछ सीखा नहीं, हमने कोशिश भी नहीं की सीखने की। बहुत से पेरेंट्स ने बस नंबर्स पर अभी भी फोकस करते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी तो नंबर्स अपने आप बढ़ेंगे, बट हमें पहले दिन फोकस करना पड़ेगा नॉलेज पे। तो कहीं ना कहीं उस पर जरूरी फोकस करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। बिल्कुल, तो नॉलेज पे फोकस करें, और बहुत सही रेफरेंस दीपक जी ने दिया है कि आप मज़े के साथ पढ़ाई करें। एक बोझ की तरह उसे अगर आप लेके पढ़ेंगे, आपका बच्चा अगर पढ़ेगा तो वो कभी कुछ नया सीख नहीं पाएगा, और सिर्फ वो पास होने के पर्पज़ से पढ़ाई करेगा, जैसा अक्सर सर बच्चे करते भी हैं। उन्हें सिर्फ ऐसा होता है कि हमें सिर्फ सिलेबस कवर करना है, लेकिन सीखा कितना है इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से इस पूरे डिस्कशन के बीच में एक पॉइंट भी आया था कि आप हर शाम को मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने आज कितना पोर्शन सिलेबस का कवर किया, क्या कुछ नया उसने सीखा है, क्योंकि लगातार आप सीखते रहेंगे, लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे। सर, अभी तक अर्ली स्टडी ऐप हाइब्रिड लर्निंग में जो प्लेटफॉर्म है उसमें कितनी लैंग्वेजेस में आप लोग जो सिलेबस है वो कवर करवा रहे हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी तक आप लोगों ने इसमें ऐड कर लिए हैं?
सब्जेक्ट्स की बात करें तो अभी हम लोग साइंस मैथ्स एसएसटी बच्चों को करा रहे हैं। सिर्फ एकेडमिक पे फोकस नहीं करेंगे हम बच्चों के, हम बच्चे के स्किल डेवलपमेंट में भी फोकस कर रहे हैं। तो हमने अपनी पढ़ाई के साथ साथ हाइब्रिड स्टडी सेंटर में हमने फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज का भी प्रोविज़न रखा है, जहाँ पर हम बच्चों को स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जापनीज़, डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस भी सिखाएंगे। साथ ही साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमें बच्चों को समझना है, तभी जाके हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और बच्चे अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी इसीलिए डाली गई है कि वीक में एक दिन बच्चों को एंटरटेन भी किया जाए, खुश भी दिया जाए। फन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जैसे अभी हमने पहले बात की कि फन लर्निंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जब तक वो इंटरेस्ट से सेंटर पे आके पढ़ना नहीं चाहेंगे, जब तक वो पढ़ाई के लिए खुश नहीं होंगे, तब तक वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उन्हें फ़न करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, खुश रखने के लिए हम लोग वीक में एक दिन भी निकालते हैं, जहाँ पर हम उन्हें डांस, म्यूज़िक, आर्ट एंड क्राफ्ट, माइंड जिम जैसी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जहाँ पर बच्चा अपने टैलेंट को भी देखता है कि मैं किसी और चीज़ में जाना चाहता हूँ या कुछ और सीखना चाहता हूँ, तो वो भी वो वहाँ से सीख सकता है। तो फन लर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे साथ रहेगा, फन लर्निंग रहेगी बच्चों के लिए वहाँ पर। बिल्कुल, और ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस विषय में उसकी रुचि है उस क्षेत्र में अगर वो आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर बच्चे को बहुत पहले पता भी चल जाता है कि मुझे करियर में करना क्या है, और उस दिशा में उसके जो पेरेंट्स हैं उसके स्किल्स को, उसकी एनर्जी को मोल्ड कर सकते हैं, ताकि आपके पास टाइम प्रॉपर रहे और वक्त रहते ही आप ये तय कर पाएँ कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, और लगातार उसकी जो ग्रास्पिंग, उसकी जो रूटिंग है, एनरिचिंग है, नरिशमेंट है, वो इस क्षेत्र में आप उसे कर सकते हैं। और ये ऐप इजी स्टडी लर्निंग हाइब्रिड ऐप इसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी मदद भी कर सकता है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगभग 2 साल इस पूरे जर्नी को होने के लिए आए हैं, अभी तक का रिस्पॉन्स किस तरह से आप देखते हैं पेरेंट्स का, किस तरह का फीडबैक आप लोगों को मिला है? रिस्पॉन्स तो सर बहुत ही अच्छा मिला है। जैसे कि जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, उनके कुछ पेरेंट्स के साथ, कई पेरेंट्स के साथ हमारी बातचीत होती है, और जो उनका रिस्पांस हमें मिलता है, कहीं ना कहीं वो सुन के ऐसा लगता है कि शायद हम रास्ते में जो चल रहे हैं वो बहुत सही रास्ता है। देखिए, अगर हम अपनी खुद की तारीफ़ करें तो समझ में कि भाई हम तो अपनी तारीफ़ करेंगे करेंगे, बट कहीं ना कहीं जब आपकी तारीफ़ कोई और करता है तो समझ में आता है कि आप रास्ता सही चूज़ किया है, उस रास्ते पर सही चल रहे हैं। और जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ को डबल ट्रिपल कर देना चाहिए, कि जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं कैसे इसको वर्ड्स में समझाऊँ वो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट मैं ये कहूँगा कि हर पेरेंट जो हमसे जुड़ता है, बच्चे को पढ़ाता है, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहता है, उसके बच्चे का रिजल्ट बाय डिफॉल्ट इम्प्रूव होता है। और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि जिनके लिए ऐप तैयार किया गया है वही आपको कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है और बहुत कारगर भी साबित हो रहा है, क्योंकि देखिए बच्चों का मनोरंजन भी हो गया, उनकी पढ़ाई भी हो गई, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं हुआ, जो मोबाइल में गेम खेलते हुए टाइम वेस्ट होता है, अब वही मोबाइल, वही लैपटॉप को यूज़ करके कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। और जिस तरह से आपने नंबर्स की बात की सर, तो आने वाले समय में हम अर्ली स्टडी ऐप हाइब्रिड लर्निंग में किस तरह के नंबर्स में इंक्रीमेंट देख सकते हैं, और क्या क्या बदलाव करने की आप लोगों ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग की है? मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि हमारा जो फ्यूचर विजन है, हम चाहते हैं कि पहला तो हम इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर्स हों, और जहाँ पर जितने ज़्यादा बच्चों को हेल्प कर पाएँ पढ़ाई में, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, वो हम ज़रूर करेंगे। और विजन की बात करूँ कि हम अर्ली स्टडी में क्या प्लान कर रहे हैं, आने वाला टाइम किस चीज़ का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाला टाइम ऑगमेंटेड रियलिटी का है, वर्चुअल रियलिटी का है, इंटीग्रेटेड रियलिटी का है। तो कहीं ना कहीं हम अपने प्लेटफॉर्म को उस लेवल पे भी लेके जाएंगे जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का पूर्ण, जो एक कहते हैं ना कि अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कुछ 10-20% है, अभी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो भी हम लेकर आएंगे। वो हम शायद पहले प्लेयर होंगे जो अर्ली स्टडी में एक मेटावर्स को लेकर आएँ और उस तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ कि कहीं ना कहीं वो रियल लाइफ में उसमें प्रैक्टिकली घुस के उससे पढ़ाई करेगा, तो उसे भी एक कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर मैं उसकी बात करूँ, एक छोटा सा आइडिया दूँ, तो ये समझ लीजिए कि जब जिस दिन वो चीज़ आएगी बच्चों के पास, वो बच्चे ही नहीं पढ़ाई छोड़ पाएंगे, वो बच्चे पूरे दिन ही उस पढ़ाई में लगे रहेंगे। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग, हमारा विजन है बच्चों को देने का फ्यूचर में। बिल्कुल, यानी कि अभी तो नापी मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, इस लाइन को बिल्कुल आप चरितार्थ कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर बच्चे पढ़ाई को ना छोड़े, ये हर पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कौन कौन से सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ये अर्ली स्टडी ऐप हाइब्रिड लर्निंग के माध्यम से आपको मिलता है। और अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का लाभ आप ले सकते हैं, और बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है इसे इंस्टॉल करना, इसके फीचर्स को एक्सेस करना, और कहीं ना कहीं इनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, हम चाहेंगे कि जाते जाते आप, जो तमाम दर्शक INS 24/7 के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अर्ली स्टडी ऐप की तरफ से और लाइफ विजन की तरफ से? देखिए, वैसे मैं बड़ी बात तो करता नहीं ज़्यादा, बट मैं जब भी कुछ रीडिंग में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है तो मैं कोट्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ।
तो मैंने कोट एक जो मेरे को बहुत पसंद आया वो ये था कि एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट फॉर योर फ्यूचर, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। मैं छोटा सा एक बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, तो कहीं ना कहीं फैमिली ने जो मेरी जो शायद वो पढ़े लिखे नहीं थे, एक्चुअली मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है और सिंगल मदर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे बचपन से ये चीज़ सिखाई है कि बेटा अगर पढ़ाई करोगे तो शायद कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं वही चीज़ मेरे को ज़िंदगी भर रही कि एडुकेशन इज़ द ओनली थिंग जो मेरे फ्यूचर को बनाएगा। और मैं आने हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा। सो प्लीज़ ऑलवेज़ फोकस कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, अच्छी जगह हो। और मेरा यही आप लोगों से अनुग्रह रहेगा कि आप भी अर्ली स्टडी को एक बार एक्सप्लोर करके ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि अर्ली स्टडी बच्चों के भविष्य के लिए कैसे काम कर रहा है, किस तरह से उन्हें इम्प्रूव करने की पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देंगे। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन लोग आपसे जुड़ कैसे सकते हैं, बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये भी ज़रूर आप दर्शकों को बताएं। सर हम दोनों ही मेथड से अप्रोचेबल हैं। अगर आप डिजिटली कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वेबसाइट से, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है www.earlystudy.co। और अगर आप फिज़िकली कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे सेंटर में आ सकते हैं, रायपुर में, कोरबा में, कवर्धा में, भिलाई में, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अगर इंडिया के किसी और पार्ट्स में हैं तो आप हमें एक बार कॉल कर सकते हैं, हमारे ऐप पे हमारा नंबर है, हमारे वेबसाइट पे हमारा नंबर है, वहाँ से हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप किस एरिया में हैं और हमारा उस जोन में कौन सा कहाँ ऑफिस है, आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन माध्यमों से आप दीपक जी से उनकी टीम से जुड़ सकते हैं, अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं इस ऐप से, और निश्चित तौर पर पढ़ाई का जो एक नया विजन है उसका जो लाभ है, उसका जो एक्सपीरियंस है, लाइव वर्चुअल एक्सपीरियंस है, वो आप ले सकते हैं। दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस ऐप के विषय में अहम जानकारी देने के लिए। तो अगर आपने भी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आज अभी और इसी वक्त जाकर प्ले स्टोर से अर्ली स्टडी ऐप हाइब्रिड लर्निंग आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को भी इसका लाभ दे सकते हैं। और इसी के साथ करियर मंत्र में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और देंगे आपको एक्सपर्ट्स की राय का गाइडेंस। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।